अभय दुबे जी, 30 से 40 साल गए, बीजेपी ने यह साफ चुनौती अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दे दी है कि हम तो 30 से 40 साल अग्रे रहेंगे, देश में हमारा ही राज रहेगा, कांग्रेस अपना देख ले। आपको लगता है कि हाँ यही हो रहा है? एक राज्य जो आपके पास था गठबंधन सहयोगियों के साथ, महाराष्ट्र, वो अब भी निकल गया, वो भी निकल गया। सही बात, बात में विकासवाद को हराया, नफरतवाद में भारत से बहुलतावाद को हराया, सत्तावाद में समरसतावाद को हराया। हाँ, अपने दल की कुछ जीत खड़ी की है, देश की हर मोर्चे पर हार तय करके। अभी मैं सुन रहा था, अमित शाह साहब ने सरदार पटेल साहब का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आज भी अगर आप इनके साहित्य सदन में जाएंगे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, तो एचपी शेषाद्री जी की एक पुस्तक है, द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन, उसमें बंटवारे का कोई दोष किसी पर मढ़ते हैं तो वो सरदार पटेल के खिलाफ मढ़ते हैं। जीवन पर्यंत सरदार पटेल को कोसते रहे। अब सत्ता का उत्तरवाद ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के जो महान नेता हैं, इन्होंने कहा परिवारवाद और वंशवाद, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री वेद प्रकाश गोयल जी के पुत्र पीयूष गोयल जी ने संकल्प लिया कि परिवारवाद समाप्त करना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान जी के पुत्र धर्मेंद्र प्रधान जी ये संकल्प लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी के पुत्र अनुराग ठाकुर ये संकल्प लेते हैं। राजनाथ सिंह जी अपने बच्चे विधायक पंकज सिंह को साक्षी मानकर, वसुंधरा जी अपने समूचे परिवार ज्योतिरादित्य सिंधिया, दुष्यंत सिंह, यशोधरा राजे सबको साक्षी मानकर, और रमन सिंह अपने पुत्र अभिषेक, एक लंबी फहरिस्त है, इन सबको साक्षी मानकर परिवारवाद के खिलाफ संकल्प लेते हैं। इतना नहीं, कार्य समिति में एक बात पर और चर्चा हुई कि जब भी सत्ता की भूख मिटानी होगी तो पंजाब में बादल परिवार के साथ सत्ता की भूख मिटाएंगे, जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सईद परिवार के साथ भूख मिटाएंगे, महाराष्ट्र में अवसरवादिता की पराकाष्ठा को पार करते हुए अजीत पवार और पवार परिवार के साथ और ठाकरे परिवार के साथ, और जब इनके सत्ता की भूख का उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो परिवारवाद को कोसने लगेंगे। सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने अगर देश के परिवारों की चिंता की होती तो 12 करोड़ परिवारों को रोजगार से हाथ नहीं धोना पड़ता, 84 करोड़ लोग परिवार के अपनी आमदनी को नहीं घटता हुआ पाते, सिर्फ दो धन्ना तेज परिवारों का ख्याल रखने वाली भारतीय जनता पार्टी ने हालात ये कर दिए कि 1002 करोड़ रुपए रोज कमा रहे हैं और किसान परिवार 27 रुपए रोज कमाने पर आमादा हो गया है। परिस्थिति इतनी बुरी हो गई है, हिंदुस्तान के में 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर, 3.5 करोड़ उज्ज्वला बहनों के घर का चूल्हा बुझा दिया इन लोगों ने, 200 रुपए का खाने का तेल और दाल और 100 रुपए पार पेट्रोल डीजल, हिंदुस्तान के 140 करोड़ परिवारों को दस में धकेल दिया। एक ही आधार है इनकी जीत का, वो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। जिस दिन हिंदुस्तान के लोगों को ये सच्चाई समझ में आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रगति और समृद्धि का कोई अवसर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर अपनी दल की जीत निर्धारित करते हैं, उस दिन इनका पराभव प्रारंभ हो जाएगा। और 8 सालों में 50 साल हिंदुस्तान को पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं ये लोग। बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न हमारा जो अभय जी आपसे था वो परिवारवाद पर था, लेकिन आपने पहले ही परिवारवाद की बात कर दी, अच्छा किया। लेकिन मैं हमारा जो एक बात और बता दूं, आते हैं ना एक 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 एक, 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 एक रिएक्शन ले लें तीनों से आते हैं। एक क्षण बस, एक आखिरी 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड जी। देखिए कांग्रेस पार्टी का परिगोर से सुन ले, भारतीय जनता पार्टी परिवार नहीं परंपरा है, देश पर त्याग और बलिदान की। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया, वंश की विचारधारा है भारत की प्रगति और समृद्धि की, जो भारतीय जनता पार्टी कभी उसको हासिल नहीं। ठीक ठीक है अभी जी, आते हैं अगले 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 राउंड में आपसे और बात करेंगे। घनश्याम तिवारी जी, घनश्याम तिवारी जी, अगले 30 से 40 साल बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये उद्घोषणा हो चुकी है और आप बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े और ऐसा लग रहा था कि इस बार तो आप योगी आदित्यनाथ की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन अंततः जो जीता वही सिकंदर, और सिकंदर यहां पर बने योगी आदित्यनाथ और डबल इंजन की सरकार ने आपकी साइकिल को पंक्चर कर दिया। आज ये 30 से 40 साल वाली बात सुनकर आपको लग रहा है कि अब तो और मुश्किल होने वाली है, थोड़ा सा डर लग रहा है घनश्याम जी? नमस्कार सही जी, आप नमस्कार को पैनलिस्ट को और दर्शकों को दो तीन बातें कहूंगा।
जय शाह के पिता अमित शाह कह रहे हैं कि बाकी लोग अपने बच्चों को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं। जय शाह की कोई तस्वीर अगर आज तक के पास हो, जिन्होंने अपने बचपन के 20 सालों में कोई बैट पकड़ा हो, कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र ने तो पकड़ा था, जय शाह ने पकड़ा हो तो गौरव भाटिया दिखा दें, आप दिखा दें। उसके बाद अमित शाह ने उत्तर प्रदेश, उन्होंने तेलंगाना की विफलताओं की चर्चा की। मैं आरबीआई की हैंडबुक देख रहा था 2021 की, जो कहती है कि उत्तर प्रदेश में 2017 में प्रति व्यक्ति आय कॉन्स्टेंट प्राइसेस पे लगभग 40,800 थी, जो 2021 में मात्र 300 रुपए बढ़ी। तेलंगाना में यही आय लगभग 1,50,000 रुपए थी, जो 2021 में 1,72,000 रुपए हो गई। इसी तरीके से मैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देख रहा था, उत्तर प्रदेश में 46 2017 में, उसके बाद 43 हुई, तेलंगाना में 34, उसके बाद 37 हुई, 27 हुई। आप कोई पैमाना दिखा दीजिए, ये सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, आपका कोई भी दर्शक आरबीआई की वेबसाइट पे जाकर के आरबीआई हैंडबुक देख सकता है। भारतीय जनता पार्टी के झूठ का कोई पैमाना नहीं है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि हर पैमाने में उत्तर प्रदेश फिसड्डी हुआ है, और तेलंगाना जैसा राज्य, चाहे वो इंडस्ट्रियल है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, वुमेन सुरक्षा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी है, इकोनॉमी है, आगे बढ़ा है। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमको ये देखा नहीं जा रहा कि गुजरात के अलावा कोई और राज्य आगे बढ़ सकता है, तो तहस नहस करने का एक प्रचंड प्रारूप बना करके, कहां से भाग्यनगर, कहां से ओवैसी, ओवैसी से इनकी मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश चले आते हैं, बिहार चले आते हैं, तो वहां पर जाकर के ओवैसी को ललकारने का कोई क्या मकसद हो सकता है, मैं नहीं जानता। जहां तक अगले 30-40 साल की बात है, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई किसी और परिवारवाद से नहीं है, क्योंकि सारे परिवारवाद तो उनके अपने अपने दलों में है। गौरव भाटिया भी परिवारवाद की परिभाषा बता सकते हैं, लेकिन उनकी उनकी परिवारवाद की लड़ाई हर आम आदमी के परिवार से है, जिसको आज महंगाई का दंश झेलना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की आय हर 2 साल में दुगनी होती है।